नमस्कार, मैं सुनीत उसीर और इस वक्त अब तक की दिल्ली की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं। काला जठेड़ी गैंग के दो कुख्यात बदमाशों को जो है वो नरेला पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। पूरा वाक्य मैं आपको बता दूं कि ये दोनों बदमाश जो है नरेला के व्यापारी से 20 लाख की फिरौती की मांग कर रहे थे और वो भी दिन दहाड़े फैक्ट्री के अंदर घुसकर। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से काला जठेड़ी का नाम लेकर ये दोनों कुख्यात बदमाश जो है वो नरेला के एक बड़े व्यापारी से दिन दहाड़े फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और नरेला के व्यापारी से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो है बदमाश फैक्ट्री के अंदर नौकरी पाने के बहाने के लिए अंदर जाते हैं। जैसे ही फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं तो चाकू की नोक पर फैक्ट्री मालिक से पहले उसका सोने का कड़ा निकलवाने के लिए बोला जाता है और बाद में उसको 20 लाख रुपए की उससे फिरौती की डिमांड की जाती है। वो तो फैक्ट्री मालिक की सूझबूझ से, मैं आपको बता दूं, सूझबूझ से जो है फैक्ट्री मालिक अपने वर्करों को इशारा करता है। वर्कर तुरंत दिल्ली पुलिस को जो है वो हिरासत, दिल्ली पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचती है और दिल्ली पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं ये दोनों बदमाशों की धरपकड़ जो है वो शुरू हो जाती है और दोनों बदमाशों को हथियारों सहित पकड़ लिया जाता है। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से काला जठेड़ी गैंग के दोनों कुख्यात बदमाश दिल्ली के एक व्यापारी से दिन दहाड़े 20 लाख रुपए की डिमांड करते हैं और नरेला का व्यापारी सूझबूझ दिखाते हुए दिल्ली पुलिस को तुरंत कॉल करता है और दिल्ली पुलिस के NIA थाने के SHO अशोक कुमार और ACP नीरव पटेल दोनों अपनी टीमों के साथ तुरंत फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाते हैं और सूझबूझ दिखाते हुए, अलर्ट दिखाते हुए दोनों कुख्यात बदमाशों को सलाखों के पीछे कर लेती है। कहीं ना कहीं काला जठेड़ी गैंग के लगातार जो है वो नाम पर इस तरीके से अवैध वसूली की जाती है और लगातार अवैध वसूली का धंधा हो रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब दिल्ली और नरेला में व्यापारियों को राहत की सांस जरूर मिलेगी। वो इसलिए मिलेगी क्योंकि लगातार काला जठेड़ी गैंग के नाम से अवैध वसूली का धंधा चल रहा था और उस धंधे में बदमाश लगातार जो है वो फैक्ट्री नरेला के बड़े बड़े व्यापारियों से अवैध वसूली का कार्य करते थे और ये वसूली का कार्य जो है वो आज हमें नरेला में देखने को मिला है। नरेला में 20 लाख रुपए की बड़ी फिरौती जो है वो इन बदमाशों के द्वारा मांगी गई है, वो भी एक नरेला के व्यापारी से और वो भी दिन दहाड़े चाकू की नोक पर। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वारदात है, बड़ा सनसनीखेज खुलासा है जो हम सीधी तस्वीरें आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से काला जठेड़ी के गांग नाम पर लगातार जो है बदमाश खुलेआम नरेला के व्यापारियों से पैसे मांगते हैं, खुलेआम अवैध वसूली करते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है नरेला में इसी तरीके का धंधा जो है वो चल गया और काला जठेड़ी गैंग के लगातार बदमाश जो है वो अवैध वसूली गैंग का जो है वो खुलेआम नाम लेकर लगातार जो है वो अवैध वसूली का धंधा खोल रखा और 20 लाख रुपए की जो डिमांड है वो आज इन दोनों कुख्यात बदमाशों के द्वारा की गई है। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सन्नी तुसीर, दिल्ली समाचार।